Let's discuss unilateral nasal block differential diagnosis and enterocranial polyp treatment. So, differential diagnosis unilateral nasal block का क्या होगा? First vestibule के heading में आएगा, second nasal cavity and third nasopharynx. तीन sides पे हो सकता है इसका reason. तो vestibule में क्या क्या हो सकता है? First pharyngeal, second vestibulitis, third stenosis of nares, fourth atresia, fifth nasoalveolar cyst, sixth papilloma and seventh squamous cell carcinoma. So हम इसको एक एक करके देखते हैं. Pharyngeal क्या होता है? Pharyngeal तो bacterial infection होता है hair follicles का, जो surrounding tissue को भी involve कर लेता है. Second vestibulitis means vestibular का inflammation. Third stenosis of nares. Stenosis मतलब क्या? एबनॉर्मल नैरोइंग हो जाती है पैसेज की, कोई भी पैसेज की अगर नैरोइंग हो जाती है ना तो उसका स्टेनोसिस बोलते हैं. और नियर्स मतलब नॉस्ट्रल्स, तो नॉस्ट्रल्स की नैरोइंग हो जा रही है एबनॉर्मल. नाउ फोर्थ एट्रेसिया. एट्रेसिया क्या होता है? एट्रेसिया इज एब्सेंस और एबनॉर्मल नैरोइंग ऑफ ओपनिंग और पैसेज इन बॉडी, कोई भी ओपनिंग या पैसेज की एबनॉर्मल नैरोइंग. नाउ फिफ्थ नेसोएल्वोलर सिस्ट. नेसोएल्वोलर सिस्ट क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होती है जो अकर होती है बिटवीन नोज एंड अपर लिप के बीच में. देन सिक्स्थ पैपिलोमा. पैपिलोमा क्या होता है? पैपिलोमा इज स्मॉल वॉट लाइक ग्रोथ होती है स्किन में या म्यूकस मेम्ब्रेन में, जो डिराइव होती है एपिडर्मिस से डिराइव होती है और यूजुअली बिनाइन होती है. अब वॉट मतलब क्या होता है? वॉट मतलब स्मॉल हार्ड बिनाइन ग्रोथ होती है स्किन में. नाउ सेवन्थ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा भी इसका रीजन हो सकता है वेस्टिब्यूल में. नाउ नेजल कैविटी में क्या क्या रीजंस होंगे? फर्स्ट फॉरेन बॉडी, सेकेंड डेविएटेड नेजल सिप्टम, थर्ड हाइपरट्रॉफिक टर्बिनेट्स, फोर्थ कॉन्का बुलोसा, फिफ्थ एंट्रोक्रैनियल पॉलिप, सिक्स्थ साइनेकी एंड सेवन्थ राइनोलेथ, एट्थ ब्लीडिंग पॉलिपस, नाइन्थ बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स एंड टेंथ साइनोसाइटिस यूनिलैटरल. तो फर्स्ट फॉरेन बॉडी अगर रहती है तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कर देगी, सेकंड डेविएटेड नेजल सेप्टम भी रहेगा तो ब्लॉक कर देगा नोज को, थर्ड टर्बिनेट्स अगर हाइपरट्रॉफी हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे तो भी वो ब्लॉक कर देंगे, फोर्थ कॉन्का बुलोसा हो जाएगा. कॉन्का बुलोसा मतलब क्या? न्यूमेटाइजेशन हो जाता है मिडिल टर्बिनेट का तो वो भी ब्लॉक कर देता है नेजल नॉस्ट्रल्स को. नाउ एंट्रोक्रैनियल पॉलिप भी ब्लॉक कर देता है. फिफ्थ सिक्स्थ साइनेकिया ब्लॉक कर देता है. साइनेकिया मतलब क्या होता है? एडहेशन होता है एक टर्बिनेट का दूसरे के साथ या तो अनदर पार्ट के साथ सेम टर्बिनेट से या तो लेटरल वॉल के साथ या तो नेजल सेप्टम के साथ अगर कोई भी टर्बिनेट अधेयर हो गया तो उसको साइनेकिया बोलते हैं. नाउ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वो भी ब्लॉक कर सकते हैं उसको. साइनसाइटिस अगर यूनिलैटरल हो रहा है तो वो भी ब्लॉक कर देगा. नाउ राइनोलिथ भी और ब्लीडिंग पॉलीपस भी. राइनोलिथ मतलब क्या होता है? कैलकेरियस मटेरियल कॉन्क्रीशंस होते हैं. कॉन्क्रीशंस मतलब क्या? हॉट सॉलिड मास होता है जो कि फॉर्म होता है सॉल्ट डिपोजिशन की वजह से इंटरनेजल फॉरेन बॉडी में. अगर पहले फॉरेन बॉडी आया फिर उसमें कैलकेरियस मटेरियल भी आ गया तो इससे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया. ना नेसोफेरिंक्स में क्या रीज़न होगा? कोइनल एट्रेसिया अगर यूनिलैटरल कोइनल एट्रेसिया होता है. कोइना मतलब क्या होता है? नेजल कैविटी की ओपनिंग नेसोफेरिंक्स में आइदर साइड पे, यानी कि पोस्टीरियर नेरिस भी बोल सकते हैं उसको. दो ओपनिंग्स पीछे भी होती है नेसोफेरिंक्स की तरफ, जैसे हमको सामने दो ओपनिंग्स दिखती है वैसे पीछे भी होती है. ना इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं एंट्रोक्रैनियल पॉलिप का? तो फर्स्ट तो अपन एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी से करते हैं और सेकेंड कैल्वन ऑपरेशन से भी करते थे पर अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है वो. तो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी को ही हम मेनली देखेंगे. तो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी को हम कौन कौन से एरियाज पे देखेंगे? फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड इंडिकेशंस, थर्ड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, फोर्थ एनेस्थीसिया, फिफ्थ पोजिशन, सिक्स्थ टेक्निक्स, सेवन्थ स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन एंड एट्थ पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड नाइन्थ कॉम्प्लिकेशंस. तो ये रिंग्स में देखेंगे. फर्स्ट इंट्रोडक्शन है इसका. तो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी क्या होती है? ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी होती है, मिनिमल या इन्वेसिव सर्जरी, जो कि जिसमें कि स्किन इंसिजन्स की ज़रूरत नहीं होती है या इंटरवीनिंग बोन रिमूवल की ज़रूरत नहीं होती डिसीज़ को एक्सेस करने के लिए.
So it doesn't require skin incisions or intervening bone removal to assess the disease. Now second indications क्या होते हैं इसके? First chronic bacterial sinusitis, then recurrent acute bacterial sinusitis, third polypoid rhinosinusitis, fourth fungal sinusitis, fifth entrocoenal polyp, sixth mucocele, seventh epistaxis control, eighth foreign body removal, ninth endoscopic septoplasty. तो ये सारे इंडिकेशंस होते हैं इसके. क्रोनिक बैक्टीरियल साइनसाइटिस अगर रिस्पॉन्ड नहीं करा एडिक्वेट मेडिकल ट्रीटमेंट में, तो उसमें एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करेंगे. साइनसाइटिस, एक्यूट बैक्टीरियल साइनसाइटिस बार बार हो रहा है तो करेंगे. और पॉलीपोइड राइनोसाइनसाइटिस मतलब पॉलिप भी फॉर्म हो गया, नोज का इन्फेक्शन हो गया, साइनस का इन्फेक्शन हो गया है तो भी वही करेंगे. फंगल साइनसाइटिस फंगस की वजह से साइनस का इन्फेक्शन हुआ है तो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी. एंड्रोकोइनल पॉलिप में एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करते हैं. म्यूकोसील अगर म्यूकस का सिस्ट फॉर्म हो गया है तो भी एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी. एपिस्टैक्सिस को अगर कंट्रोल करना है ब्लीडिंग को तो भी नोज ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी पे जाएंगे. फॉरेन बॉडी को रिमूव करना है तो भी एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी. एंडोस्कोप की हेल्प से अगर सेप्टम को रिपेयर करना है एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी तो भी हम एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी पे जाएंगे. नाउ थर्ड है कॉन्ट्रा इंडिकेशन. कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है? फोर होते हैं. दैट इज़ फर्स्ट इनएक्सपीरियंस, सेकेंड इनएसेसिबल डिसीज़, थर्ड ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड फोर्थ इंट्राकैनियल या इंट्राऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस. तो पहला इनएक्सपीरियंस, अगर सर्जन को एक्सपीरियंस नहीं है और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है तो नहीं करना है साइनस सर्जरी को. सेकेंड इनएक्सेसिबल डिसीज़, अगर डिसीज़ एंडोस्कोपिक प्रोसीजर से असेस नहीं कर जा पा रही है, जैसे कि एग्जांपल लेटरल फ्रंटल साइनस डिसीज़ है और स्टेनोसिस है इंटरनल ओपनिंग ऑफ फ्रंटल साइनस का, तो फिर नहीं करना है. थर्ड ऑस्टियोमाइलाइटिस के केस में नहीं करना है. फोर्थ इंट्राक्रैनियल या इंट्राऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन, ऑर्बिट के अंदर अगर है या क्रैनियम के अंदर कॉम्प्लिकेशन है, थ्रेटन्ड है तो भी नहीं करना है. हाँ एनेस्थीसिया इसमें जनरल प्रिफर करते हैं. वहाँ पोजिशन कैसे रहती है? सुपाइन रहती है पेशेंट की और फ्लैट रहती है, कभी कभी 15 डिग्री से रेज कर देते हैं. टेक्निक्स क्या होती है? सिक्स टेक्निक्स दो टाइप की होती है. फर्स्ट स्टैम्बर्गर्स एंड सेकेंड विगैंस. स्टैम्बर्गर्स एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड विगैंस पोस्टीरियर टू एंटीरियर. तो स्टैम्बर्गर्स में क्या होता है कि इस टेक्निक में सर्जरी प्रोसीड करती है अनसीडेट प्रोसेस से बैकवर्ड स्फिनॉइड साइनस में. और इस टेक्निक का एडवांटेज ये है कि एक्सटेंट ऑफ सर्जरी को हम वहाँ तक ले जा सकते हैं जहाँ तक एक्सटेंट ऑफ डिसीज़ है. ना सेकेंड पोस्टीरियर टू एंटीरियर विगैंस टेक्निक में क्या रहता है? सर्जरी स्टार्ट करते हैं स्फिनॉइड साइनस में और प्रोसीड करते हैं एंटीरियरली बेस ऑफ स्कल के अलोंग और मीडियल ऑर्बिटल वॉल के अलोंग. तो ये मोस्टली की जाती है एक्सटेंसिव पॉलीपोसिस में, बहुत पॉलिप फॉर्म हो जाता है और डीप चले जाता है तो, और या फिर रिविजनल साइनस सर्जरी में. रिविजनल साइनस सर्जरी मतलब क्या होता है? ये रिविजनल सर्जरी तब की जाती है जब प्रीवियस ऑपरेशन को करेक्ट करना होता है हमें, जो फेल हो गया है पेन को रिलीव करने के लिए या फर्दर कॉम्प्लिकेशन अगर कॉज कर रहा है तो, मिस डायग्नोसिस की वजह से या सर्जन के एरर की वजह से या फ्यूजन की कमी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से या हार्डवेयर माल फंक्शन की वजह से अगर करेक्ट डिटेक्ट नहीं हो पाया होगा तो, या रिकवरी नहीं हो पा रही है तब हम करते हैं रिविजनल सर्जरी. नाउ एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन क्या होते हैं? तो इसका दो हेडिंग्स आएगी. दैट इज़ फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स एंड सेकेंड डेफिनेट स्टेप्स. तो इनिशियल स्टेप्स में क्या करते हैं? कॉटन प्लेजर्स को रिमूव करते हैं पहले. सेकेंड नोज इंस्पेक्शन करते हैं. थर्ड सब में कुछ सब इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड फोर्थ कॉटन प्लेजर्स को रिप्लेस कर देते हैं बायोलेटरल सर्जरी के केस में. तो पहले हमको कॉटन प्लेजर्स को रिमूव करना होता है जो नेजल डीकंजेशन के लिए रखे गए थे और टॉपिकल एनेस्थीसिया के लिए. उसके बाद इंस्पेक्ट करना है नोज़ को. फिर ऑलरेडी अगर नहीं किया है तो फिर सब म्यूकोसली 1% लिग्नोकेल को इंजेक्ट करना है 1:1 लाख एड्रेनालिन के कारण, साथ एंडोस्कोपिक कंट्रोल के साथ. और ये इंजेक्शन ना करा देते हैं लेटरल वॉल में नियर अपर एंड ऑफ मिडिल टर्बिनेट देते हैं. लेटरल वॉल में फर्स्ट इंजेक्शन के बिलो साइड पे देते हैं, ये साइड्स दी गई हैं डायग्राम में. और लेटरल वॉल में इंफीरियर टर्बिनेट के अबव या मिडिल टर्बिनेट में पुष्टिया एस्पेक्ट में या नेजल सेप्टम के पुष्टिया एस्पेक्ट में, ये 5-6 लोगों पर देते हैं. तो ये सेप्टम है, एंसिनेट प्रोसेस है, मिडिल टर्बिनेट है और यहाँ साइड्स ऑफ इंजेक्शन शो की गई है. ये इंफीरियर टर्बिनेट है नीचे. साइड्स ऑफ इंजेक्शन स्टार्स इंडिकेट करिए. जस्ट एंटीरियर टू एंसिलेट प्रोसेस ऑन द लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ नोज.
ठीक है भैया, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी का वो है प्रोसीजर। एंडोस्कोपी और अदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पास किया गया नोज के थ्रू और सर्जरी परफॉर्म की जा रही है मॉनिटर पे देख के। नाउ डेफिनेट स्टेप्स क्या होते हैं इसके? कॉटन पैचेस को हमने रिप्लेस कर दिया ना, और अगर बायलैटरल फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करना है तो एक पे पहले रिप्लेस कर देंगे और दूसरे पे उसके बाद इंजेक्शन देंगे, इसलिए रिप्लेस किया जाता है बायलैटरल में। नाउ सेकेंड डेफिनेट स्टेप्स पे हम थे, तो डेफिनेट स्टेप्स में ना सेवन स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट एनसिनेक्टोमी होता है, सेकेंड आइडेंटिफिकेशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ मैक्सिलरी ऑस्टियम, फिर थर्ड बुलेक्टोमी, फोर्थ पेनिट्रेशन ऑफ बेसल लैमिला एंड रिमूवल ऑफ पोस्टीरियर इथमॉइडल सेल्स, फिफ्थ क्लियरेंस ऑफ फ्रंटल रिसेस एंड फ्रंटल साइनसेक्टोमी साइनसोटोमी, एंड सिक्स्थ स्फिनेक्टोमी एंड सेवन्थ नेजल पैक्स। तो ये सारे स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट अनसिनेक्टोमी में क्या रहता है, अनसिनेट प्रोसेस को ना इंसाइज कर देते हैं सिकल नाइफ से और रिमूव करते हैं फॉर्सेप्स से। फिर सेकेंड आइडेंटिफिकेशन एनलार्जमेंट करते हैं मैक्सिलरी ऑस्टियम का। मैक्सिलरी ऑस्टियम जस्ट इन्फीरियर टर्मिनेट के ऊपर रहता है और अनसिनेट प्रोसेस के लोअर थर्ड के नीचे रहता है। तो एक बार लोकलाइज कर लेते हैं तो उसको एंटीरियरली एनलार्ज करते हैं एक बैकबिट फॉर्सेप्स से या पोस्टीरियरली एक कट स्ट्रेट फॉर्सेप्स से। नाउ थर्ड बुलेक्टोमी करते हैं। बुला इथमोइडलिस जो है ना वो पेनिट्रेट किया जाता है क्यूरेट या ब्लैक्सले फॉर्सेप्स से और रिमूव कर दिया जाता है। इंजरी को अवॉइड करना होता है, मीडियल ऑर्बिटल वॉल स्टेल्स स्कल बेस वगैरह में इंजरी मत हो। फोर्थ स्टेप है इसका पेनिट्रेशन बेसल लैमिला का और रिमूवल ऑफ पोस्टीरियर इथमोइडल सेल्स। तो बेसल लैमिला डिवाइडिंग थिन बोनी सेप्टम होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर इथमोइडल सेल्स के बीच में। इसको पेनिट्रेट किया जाता है लोअर और मीडियल पार्ट में स्मॉल क्यूरेट की हेल्प से और फिर रिमूव किया जाता है ब्लैक्सले फॉर्सेप्स से और पोस्टीरियर इथमोइडल सेल्स को एक्सेंट्रेट करते हैं, मतलब कंटेंट्स को रिमूव करते हैं उसके। फिर ऑप्टिक नर्व रिस्क रहती है ओनिडी सेल अगर प्रेजेंट है तो। ओनिडी सेल क्या होता है, एक पोस्टीरियर इथमोइडल सेल होता है जो एक्सटेंड करता है स्फिनॉइड बोन में उसके लेटरल और सुपीरियर में स्फिनॉइड साइनस के। नाउ फिफ्थ स्टेप है क्लियरेंस ऑफ फ्रंटल रिसेस एंड फ्रंटल साइनसोटोमी। तो अगर फ्रंटल साइनस क्लियर है सिटी स्कैन में और पेशेंट सफ़र भी नहीं कर रहा है फ्रंटल हेडेक से तो कुछ भी नहीं करना होता है। लेकिन अगर फ्रंटल साइनस की डिसीज़ है और फ्रंटल रिसेस क्लियर क्लियर है और फ्रंटल साइनस ड्रेनेज एस्टैब्लिश हो गया है तो भी कुछ नहीं करना होता है। नाउ ओपनिंग ऑफ फ्रंटल साइनस सिचुएटेड होती है अटैचमेंट ऑफ मिडिल टर्बिनेट के पास और मीडियल ऑर्बिटल वॉल के मीडियली, एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी के एंटीरियरली और पोस्टीरियर रहती है एगनाइज़ सेल्स के। तो फ्रंटल रिसेस में जो एरिया में सर्जरी होती है ना वो चैलेंजिंग होती है क्योंकि कोई भी म्यूकोसा में अगर डैमेज हुआ तो स्टिनोसिस हो जाता है फ्रंटल साइनस ओपनिंग का म्यूकोसिल फॉर्मेशन के साथ या रिकरेंट फ्रंटल साइनसाइटिस के साथ। तो फ्रंटल साइनस अगर डिसीज़ होती है ना तो फ्रंटल रिसेस को क्लियर किया जाता है, फ्रंटल साइनस ड्रेनेज का एस्टैब्लिश किया जाता है, ये हमें करना होता है। नाउ स्फिनॉइडोटोमी करते हैं। सिक्स्थ स्फिनॉइडोटोमी क्लियरेंस के बाद किया जाता है पोस्टीरियर इथमोइडल सेल्स का या फ्रंटल साइनसोटोमी करने के बाद, और ये ऑमिट कर दिया जाता है अगर साइनस हेल्दी है तो। इस प्रोसीजर में क्या करते हैं कि स्फिनॉइड साइनस की एंटीरियर वॉल को रिमूव करते हैं और पस को और इंस्फिक्सेटेड मटेरियल को जो थिकेंड मटेरियल है उसको साइनस के अंदर से रिमूव करते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो अबव स्टेप्स से जो हमने बताया और सेकंड एनलार्जिंग स्फिनॉइड साइनस ओपनिंग। तो ऊपर वाले स्टेप्स तो हमने देख लिए। नाउ सेकंड बाय एंटरिंग द ऊपर वाले स्टेप्स कैसे थे, स्फिनॉइड साइनस का इंटीरियर और इन्फीरियर से हम एंटर कर रहे थे टू द इथमॉइड कैविटी। नाउ सेकेंड ओपनिंग ऑफ स्फिनॉइड साइनस को एनलार्ज भी कर सकते हैं ब्लैक्सले फॉर्सेप्स से या जे क्यूरियर से और साइनस ओपनिंग को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर नाउ नेजल पैक्स, नेजल पैक्स लगा देते हैं। तो फाइनली नेजल पैक्स लगा देते हैं हम, सेप्टल सर्जरी भी की जाती है फेस से या फिर कोई ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए नेजल कैविटी से, तो फेस से भी सर्जरी की जाती है अगर सेप्टल सर्जरी भी की गई है फेस के साथ तो भी नेजल ब्लीडिंग हो सकती है ना, या फिर नेजल कैविटीज में ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए भी नेजल पैक्स को लगाते हैं। नाउ एट है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे करते हैं, ये इसके सेवन स्टेप्स आएंगे। फर्स्ट है रिमूवल ऑफ नेजल पैक्स, सेकेंड एंटीबायोटिक्स है, थर्ड एंटी हिस्टामिनिक्स, फोर्थ एनर्जेसिक्स, फिफ्थ नेजल इरीगेशन,
सिक्स्थ है स्टेरॉयड नेजल स्प्रेज एंड सेवन्थ है एंडोस्कोपिक टॉयलेट। तो पहले तो नेजल पैक्स को रिमूव करते हैं, अगर रिमूव करना है तो टाइम ऑफ डिस्चार्ज पे रिमूव करते हैं 24 आवर्स बाद ऑपरेशन के। नाउ सेकेंड एंटीबायोटिक्स, एक इंट्रा ऑपरेटिव इंटरवीनस एंटीबायोटिक दी जाती है जैसे कि एमोक्सिक्लेव वगैरह, और फिर कंटिन्यू करते हैं 7 से 10 दिन तक ओरल रूट से। थर्ड एंटीहिस्टामिनिक्स एलर्जिक पेशेंट्स के लिए देते हैं। फोर्थ एनाल्जेसिक्स पोस्ट ऑपरेटिव पेन को रिलीव करने के लिए। फिफ्थ नेजल इरीगेशन स्टार्ट किया जाते हैं 1 वीक बाद पोस्ट ऑपरेटिवली ब्लड क्लॉट्स क्रश ये सब को रिमूव करने के लिए। नाउ स्टेरॉयड नेजल स्प्रेस को नेजल एलर्जी के लिए यूज़ करते हैं और नेजल पॉलिप्स के लिए जो ऑपरेट करते हैं उसके लिए। एंडोस्कोपिक टॉयलेट ब्लड क्लॉट्स क्रश और डेब्रिस रिमूव किया जाता है इससे, और फॉर्सेप्स और सक्शन की हेल्प से रिमूव किया जाता है इथमोइड एरिया से जो कि मिडिल टर्बिनेट के लेटरल में होता है। नाउ इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, मेजर और माइनर दो तरीके के होते हैं। मेजर में ऑर्बिटल हीमरेज आता है, ऑर्बिट का हीमरेज लॉस ऑफ विजन हो जाएगा या ब्लाइंडनेस हो सकता है। नाउ थर्ड डिप्लोपिया हो सकता है डबल विजन। फोर्थ CSF लीक हो सकता है। फिफ्थ मेनिनजाइटिस हो सकता है। सिक्स्थ ब्रेन एब्सेस। ऑर्बिटल हीमरेज लॉस ऑफ विजन या ब्लाइंडनेस डिप्लोपिया CSF लीक मेनिनजाइटिस और ब्रेन एब्सेस। माइनर में क्या आएगा, पेरीऑर्बिटल इकोनोसिस पेरीऑर्बिटल एम्फाइसेमा पोस्ट ऑपरेटिव एपिस्टेसिस पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन हाइपोसमिया और डेंटल पेन। तो पेरीऑर्बिटल इकोनोसिस है तो माइनर रहेगा, स्किन डिस्कलरेशन हो जा रहा है ब्लीडिंग अंडरनीथ। पेरीऑर्बिटल एम्फाइसेमा मतलब एयर ट्रैपिंग हो रही है विद इन लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू अराउंड ऑर्बिट। देन पोस्ट ऑपरेटिव एपिस्टेसिस नोज ब्लीडिंग है तो माइनर है, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन हो गया तो माइनर है, और स्मेल का सेंस कम हो गया तो नॉर्मल माइनर कॉम्प्लिकेशन है। डेंटल पेन दांत में दर्द हो रहा है तो माइनर। नाउ सेकंड कार्वन लक ऑपरेशन से भी इसको मैनेज करते हैं, तो ये सब इंडिकेटेड रहता है कौन कौन से एडिंग्स में देखेंगे। इंडिकेशन इंडिकेटेड ओनली इफ सेकंड टेक्निक्स, थर्ड कॉम्प्लिकेशंस, फोर्थ अदर इंडिकेशंस, फिफ्थ कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड सिक्स्थ डेफिनेशन। तो फर्स्ट इंडिकेटेड कब रहता है, एंट्रोक्राइनल पॉलिप में जब रिमूव करना होता है पॉलिप को कम्प्लीटली या डील करना होता है कोइंसिस्टेंट नेसेसरी साइनसाइटिस से। वैसे तो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी आजकल प्रेफर की जाती है तो वही करते हैं। देन टेक्निक क्या होती है इसकी, इंसिजन देते हैं फर्स्ट, सेकेंड एलिवेशन करते हैं फ्लैप का, थर्ड एंट्रम को ओपन कर देते हैं, फोर्थ पैथोलॉजी से डील करते हैं उसकी, फिफ्थ मिक नेजो एंट्रल विंडो बनाते हैं, फिर एंट्रम को पैकिंग कर देते हैं, फिर वन क्लोजर कर देते हैं सेवन्थ में। तो फर्स्ट इंसिजन, सेकंड एलिवेशन ऑफ फ्लैप, थर्ड ओपनिंग एंट्रम, फोर्थ डीलिंग विथ पैथोलॉजी, फिफ्थ मेकिंग नेजो एंट्रल विंडो, सिक्स्थ पैकिंग एंट्रम एंड सेवन्थ वन क्लोजर। कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है इसकी, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग हो सकती है, चीक का एनेस्थीसिया लंबे समय तक, देन थर्ड टीथ एनेस्थीसिया, फोर्थ नेजोलैक्रिमल डक्ट इंजरी, फिफ्थ सबलेबियल फिस्टुला। तो फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग आ सकती है जो नेजल पैक से कंट्रोल करते हैं, सेकंड चीक एनेस्थीसिया इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व की स्ट्रेचिंग के कारण हो सकता है, कुछ महीनों तक भी रह सकता है, थर्ड टीथ का एनेस्थीसिया हो सकता है, फोर्थ नेजल एक्रामल डक्ट की इंजरी, फिफ्थ सब लेबियल फिस्टुला फॉर्म हो सकता है नीचे लिप के नीचे से फिस्टुला। नाउ फोर्थ अदर इंडिकेशंस क्या होते हैं, क्रोनिक मैक्सिलरी साइनसाइटिस, सेकेंड फॉरेन बॉडी रिमूवल फ्रॉम टू थ्रोट, थर्ड डेंटल सिस्ट, फोर्थ ओरोएंट्रल फिस्टुला, फिफ्थ सस्पेक्टेड नियोप्लाज्म इन एंट्रम, सिक्स्थ विडियन न्यूरेक्टोमी एंड सेवन्थ रिकरेंट एंट्रोक्राइनल पॉलिप। तो क्रोनिक मैक्सिलरी साइनसाइटिस के केस में कार्वेड लक ऑपरेशन करते हैं, फॉरेन बॉडी अगर रिमूव करना टूथ रूट से तो भी करते हैं, डेंटल सिस्ट फॉर्म हो गए तो भी कार्वेड लक ऑपरेशन करेंगे, और ओरल कैविटी और एंट्रम के बीच में फिस्टुला फॉर्म हो गया तो भी कर सकते हैं, अगर नियोप्लास्म सस्पेक्टेड है एंट्रम में तो भी कर सकते हैं कार्वेड लक ऑपरेशन, विडियन नर्व को हटाना तो भी कार्वेड लक, देन रिकरेंट एंट्रोक्राइनल पॉलिप अगर फॉर्म हो रहा है तो भी कार्वेड लक ऑपरेशन कर सकते हैं। नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है इसके, पेशेंट लेस देन 17 ईयर्स में नहीं करते हैं हम इसको। सिक्स्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है इसका, कार्वेड लक ऑपरेशन मैक्सिलरी एंट्रम को ओपन करने का एक प्रोसेस होता है कैनाइन फोसा के थ्रू और सब लेबियल अप्रोच के थ्रू करते हैं ओपन, और ये डील करता है पैथोलॉजी ऑफ इनसाइड एंट्रम, पैथोलॉजी इनसाइड एंट्रम जो रहती है उससे डील करता है, इसको एंटीरियर एंट्रोस्टोमी भी बोलते हैं। इसका डायग्राम ऐसा है, इंसिजन दिया गया है यहाँ सब लेबियली
और ये कट एज ऑफ बोन ऑफ कैनाइन फोसा की जो बोन है ना उसको कट कर दिया है यहाँ पे। एंटोस्टोमी ओपनिंग बनाया है विथ इन्फीरियर टर्बिनेट शोइंग थ्रू, इन्फीरियर टर्बिनेट दिख रहा है यहाँ पे। तो ये कार्मेल आपका ऑपरेशन का फर्स्ट इंसिशन है, सेकंड इनसाइड व्यू एंड पोजिशन ऑफ एंट्रोस्टोमी है। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ, वैसे तो ना अभी एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी आ गई है तो कार्मेल लक ऑपरेशन के जो इंडिकेशन है वो डिक्रीज हो गया है। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी वो सब कर सकती है जो कि कार्मेल लक ऑपरेशन कर सकता है, इसलिए अब नहीं किया जाता है वो। और अभी जो इंडिकेशन है वो सिर्फ तीन चार चीज़ों में करते हैं। इनिशियल स्टेप अगर मेडिकल मीडियल मैक्सिलोक्टोमी करते हैं, मैक्सिला को मीडियली रिमूव करना है। सेकेंड अगर मैनेजमेंट करना है कॉम्प्लेक्स मिड फेशियल फ्रैक्चर्स का या रिपेयर करना है ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर्स को। थर्ड अगर फॉरेन बॉडीज़ को रिमूव करना है जो कि एंडोस्कोपिक अप्रोच से रिमूव नहीं हो पा रही तब। या फिर फोर्थ अगर मैनेजमेंट और स्टेजिंग करना है कार्सिनोमा ऑफ पैलेट की तब करते हैं। तो ये प्रेजेंट स्टेटस है कार्डवेक ऑपरेशन का। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ एंड्रोक्राइनल पॉलिप एंड यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का डिफरेंशियल डायग्नोसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।